जौन परिष्करण, जौन या फिर जौन परिशोधन या फिर प्रभाजी क्रिस्टलीकरण या फिर मंडल परिष्करण भी जो है वो इसको बोल देते हैं, या फिर जोन रिफाइनिंग, ये विधि है। तो इस विधि से देखिए कि जनरली जो है अर्धचालकों का शुद्धिकरण किया जाता है, जैसे कि सिलिकन, जर्मेनियम या फिर जैसे कि टेलोरियम आदि। ठीक है, वास्तव में ये जो विधि है, ये विधि जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो देखिए इसका जो सिद्धांत है वो लिख लेते हैं कि पिघली हुई अवस्था में, है ना, पिघली हुई अवस्था में धातु को ठंडा किया जाए। पिघली हुई अवस्था से धातु को यदि ठंडा किया जाए, है ना, धातु को ठंडा किया जाए, या फिर यूं कहें कि क्रिस्टलीकृत किया जाए। ठीक, तो क्या होता है कि जो शुद्ध धातु है उसका तो क्या हो जाता है, क्रिस्टलन हो जाता है, यानी क्रिस्टल बन जाते हैं, और जो जो अशुद्धियां हैं वो गलित अवस्था में रह जाती हैं। तो शुद्ध जो धातु है, उसका क्रिस्टलन होता है केवल, तो शुद्ध धातु का क्रिस्टलन हो जाता है, शुद्ध धातु का क्रिस्टलन हो जाता है। ठीक, हो जाता है, जबकि अशुद्धियां वो क्या रह जाती हैं, गलित अवस्था में रह जाती हैं। ठीक है ना, अशुद्धियां जो है वो गलित अवस्था में रह जाती हैं, गलित अवस्था में रह जाती हैं, रह जाती हैं। यहां आपको ध्यान देना कि पिघली हुई अवस्था में धातु को, तो यहां पर धातु कौन सी है, देखिए अशुद्ध धातु की बात कर रहे हैं हम, है ना, कि जो अशुद्ध धातु है उसको यदि ठंडा किया जाए तो शुद्ध धातु का क्रिस्टलीकरण हो जाता है। चलिए क्रिस्टलीकरण बैठा दीजिए, डायरेक्टली देखिए ठंडा किया जाए तो शुद्ध धातु का क्रिस्टलन हो जाता है, जबकि अशुद्धियां वो गलित अवस्था में रह जाती हैं। वास्तव में इसके लिए क्या करते हैं, देखिए कि जो अशुद्ध धातु है उसकी एक छड़ लेते हैं इस प्रकार से, ये जो है मान लीजिए कि अशुद्ध धातु है, इसकी जो है ये हमने जैसे कि कोई छड़ ले ली, है ना, ये क्या है, अशुद्ध धातु की छड़। ठीक है, अशुद्ध धातु की छड़ है। ठीक, तो ये अशुद्ध धातु की छड़ ले ली, और इसके ऊपर जो है वो कोई वृत्ताकार एक हीटर लगा होता है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से कोई हीटर लगा हुआ होता है, ऐसे ये चलित हीटर होता है ना, ये वृत्ताकार हीटर लगा है ना। अब ये क्या करेगा कि चारों तरफ से जो है इस रोड के ऊपर इसे मतलब कि ताप डालेगा, तो ये हमारा वर्ताकार चलित हीटर है, वर्ताकार चलित, चलित यानी कि ये क्या करता है, चलते रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे, है ना, तो चलित हीटर। ठीक, अब क्या है कि इसके ऊपर एक वर्ताकार चलित हीटर लगा रहता है, और जब इस चलित हीटर से जब ताप मिलता है इस रोड को, तो इस रोड पे क्या होता है, ये रोड क्या करती है कि पिघलना चालू कर देती है अशुद्ध, तो ये गलित क्षेत्र है, यानी हीटर के अंदर, हीटर के नीचे वाला जो पार्ट है, हीटर के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है कि गलित मंडल इसको हम बोल देते हैं, या फिर गलित क्षेत्र बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गलित मंडल, ठीक है, या फिर क्षेत्र भी बोल देते हैं इसको। ठीक, वास्तव में यहां क्या हो रहा है कि यहां धातु जो गलित अवस्था में आ रही है। ठीक, अब देखिए कि जैसे जैसे ये हीटर जो है आगे की तरफ चलेगा या फिर पीछे की तरफ चलेगा, तो ये यहां से अगर यहां पर आएगा तो यहां की धातु जो है वो गलित अवस्था में आ जाएगी, फिर थोड़ा और आगे आएगा तो ये भी गलित अवस्था में आ जाएगी, तब क्या होगा कि जैसे जैसे ये आगे की ओर चलेगा तो धातु आगे से गलित अवस्था में आती जाएगी, और उसकी अशुद्धियां जो है वो हीटर के साथ साथ आगे की तरफ एक साइड में चलती जाएंगी ऐसे, है ना, और पीछे मान लीजिए कि अगर इधर यदि शुद्ध धातु रह गई, है ना भाई, पहले मान लीजिए कि हीटर यहां पर था, तो यहां से जो धातु है वो गलित अवस्था में आई, तो यहां से जब हीटर आगे की ओर किसका, ये वर्ताकार हीटर जब आगे की ओर किसका, मैंने आपको बताया कि हीटर जो है ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर जो है इस प्रकार से चलता रहता है, जब हीटर आगे की ओर किसका, तो गलित अवस्था में आने की वजह से इसकी जो अशुद्धियां थी वो तो क्या हो चुकी है, अलग, और वो आगे की तरफ चलने लग गई, और जो शुद्ध धातु है वो यहां पर रह गई,
यानी कि यहां पर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए शुद्ध धातु है ना, शुद्ध धातु क्रिस्टलन, यानी कि शुद्ध धातु का क्रिस्टलन जो है वो हो रहा है यहां पर, ठीक, शुद्ध धातु का क्रिस्टलन, ठीक। और गलित अशुद्धियां जैसे जैसे ये आगे की ओर चलेगा वैसे वैसे आगे वाला भाग जो है वो क्या होता जाएगा, गलित होता जाएगा, तो गलित अशुद्धियां जो है वो दूसरी साइड में जमा होती जाएगी, यानी इसको हम बोल देते हैं अशुद्धि जोन, गलित अशुद्धि जोन है ना, इधर इसको अशुद्धि या फिर गलित अशुद्धि जोन है ना, गलित अशुद्धि जोन, यानी कि जोन में इकट्ठा जो वो ऑलरेडी होते रहता है। तो इस प्रकार से यहां जो है वो गलित अशुद्धियां जो है वो इकट्ठा होती जाती है, ये जरूरी नहीं कि यहीं पर इकट्ठा हो, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यानी कि एक साइड में जो है गलित अशुद्धियां इकट्ठा होती रहेंगी और दूसरी साइड में जो है वो ऑलरेडी शुद्ध धातु जो है वो क्या हो जाएगा, उसका क्रिस्टलन होता जाएगा, या हम यह कहेंगे कि यहां पर किस अवस्था में आ रही है ना, यहां पर जो धातु आ रही है वो क्रिस्टलित अवस्था में आ रही है, यानी कि शुद्ध क्रिस्टलित धातु है ना, ऐसे लिख देते हैं हम शुद्ध क्रिस्टलित धातु, ठीक। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो मतलब इसका शुद्धिकरण जो है वो ऑलरेडी होता जाएगा। आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि जनरली इनसे है ना, जनरली जोन परिष्करण जो है उसे देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेलियोरियम वगैरह, यानी कि जो अर्धचालक होती हैं उनका शुद्धिकरण जो है वो यहाँ पर मतलब किया जाता है। चलिए हम थोड़ी सी नेक्स्ट एक दो विधि की और बात कर लेते हैं, ये विधि छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। नेक्स्ट विधि की अगर हम बात करें तो देखिए मांड प्रक्रम, मांड प्रक्रम, ठीक है। तो मांड प्रक्रम जो है वो क्या है, तो वास्तव में मांड प्रक्रम जो निकिल धातु के, हम इसको निकिल धातु शोधन भी ऑलरेडी बोल देते हैं है ना, निकिल या फिर जनरली कहीं कहीं निकेल भी लिखा हुआ मिल जाता है, होता तो निकिल ही है ना, निकेल धातु शोधन, ठीक, निकेल धातु शोधन। तो वास्तव में इसमें क्या होता है कि जो अशुद्ध निकिल होती है ये क्या है, देखिए अशुद्ध निकिल है, ठीक है, अशुद्ध निकिल है, तो अशुद्ध निकिल जो है उसको जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ में गर्म किया जाता है लगभग 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक। इससे हमें क्या मिल जाता है, एक संकुल यौगिक मिलता है जिसको हम बोलेंगे निकिल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक, इस प्रकार से। और अगर इसको और अधिक ताप दिया जाए, यदि इसको अगर इसको और अधिक ताप दे दिया जाए, यानी कि लगभग 450 से 470 केल्विन है ना, तब हमें जो है शुद्ध निकिल धातु जो है वो ऑलरेडी प्राप्त तो हो जाती है। ये क्या है, शुद्ध निकिल धातु है ना, ये जो है शुद्ध निकिल धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से मांड प्रक्रम के द्वारा जो है वो हम इस प्रकार से जो है इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और मांड प्रक्रम के साथ ही हम यहां पर जो है एक विधि और देख लेते हैं जो कि एकदम से छोटी सी है, वो होगी वोन ओरकेल विधि, वोन ओरकेल विधि, वोन आरकेल विधि, ठीक। तो वोन आरकेल विधि जो है वो देखिए जनरली जर्कोनियम, जर्कोनियम या फिर जैसे कि टाइटेनियम आदि धातुओं के शुद्धिकरण के लिए ऑलरेडी इसको जो है उपयोग में लिया जाता है। इस विधि में वास्तव में क्या होता है कि जो धातु है यानी कि अशुद्ध धातु, जैसे कि मैंने यहां पर जो है जर्कोनियम ही ले लिया है, तो ये क्या है, देखिए अशुद्ध जर्कोनियम है, ये क्या है, अशुद्ध है ना, अशुद्ध जर्कोनियम, ठीक। तो अशुद्ध जर्कोनियम जो है उसकी रिएक्शन से करवाई जाती है किसके साथ में, आयोडीन वाष्प के साथ में, आयोडीन वाष्प के साथ में। और इसको लगभग देखिए कि 870 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में है ना, अक्रिय वातावरण यानी कि इनर्ट एटमोस्फेरिक जो होता है उसे है ना आयोडीन वाष्प, या वाष्प है ध्यान रखें, तो जर्कोनियम को जो है आयोडीन वाष्प के साथ में 870 केल्विन टेम्परेचर पर अक्रिय वातावरण में जब गर्म किया जाता है तब क्या बनते हैं यहाँ पर, धातु आयोडाइड, यानी कि जर्कोनियम का जो है वो क्या बन जाता है यहाँ पर, आयोडाइड बन जाता है, जर्कोनियम आयोडाइड बोलेंगे इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, जर्कोनियम आयोडाइड, जर्कोनियम आयोडाइड, ठीक। और ये जो जर्कोनियम आयोडाइड है
इसको हम क्या करवाते हैं कि जो टंगस्टन तंतु होता है ना, टंगस्टन तंतु है ना, टंगस्टन तंतु पर जो है ऑलरेडी हम इसको प्रवाहित करवाते हैं और साथ में विद्युत धारा भी प्रवाहित करवाते हैं, साथ में विद्युत धारा भी प्रवाहित करवाते हैं। और इस समय हम टेम्परेचर जो है लगभग 1700 से 1800 केल्विन के आसपास रखते हैं, 1700 से 1800 केल्विन जो है वो टेम्परेचर के आसपास रखते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं 1700 से 1800 केल्विन जो वो इसका टेम्परेचर रखते हैं, और टंगस्टन धातु के ऊपर से जो वो ऑलरेडी इसको प्रवाहित करवाते हैं। तो जो शुद्ध धातु है जर्कोनियम वो क्या होती है, टंगस्टन तंतु के ऊपर ऑलरेडी एकत्रित हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जर्कोनियम जो कि ऑलरेडी शुद्ध अवस्था में है, और ये कहाँ एकत्रित हुई है, ये हुई है टंगस्टन तंतु पर। ठीक, तो जो है इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि जो जर्कोनियम है उसको ऑलरेडी शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया। अब जर्कोनियम के अलावा यदि अगर हम लोग अगर इसकी टाइटेनियम की बात करें तो देखिए दोनों की सेम टू सेम ही रिएक्शंस हैं, जहां पर हमने जर्कोनियम लिखा है वहां वहां हमें क्या लिख देना है, ये जो टाइटेनियम है वो लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यही रिएक्शन यदि अगर मुझे इसके टाइटेनियम के लिए जो है वो लिखनी होती तो मैंने यहां पर जर्कोनियम लिया था, तो अब मैं यहां पर क्या ले लूंगा, अशुद्ध टाइटेनियम जो है वो यूज कर लूंगा, नाम जो है इसका ऑलरेडी वो लिख देंगे। ठीक है, और फिर यहां पर भी क्या बन जाएगा, अब ये टाइटेनियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक, और यहां पर हमें शुद्ध अवस्था में क्या मिल जाएगा, अब जो टाइटेनियम है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों के जो है सेम टू सेम ही रिएक्शंस है, यदि जर्कोनियम की लिखनी हो तो हम यहाँ पर जो है जर्कोनियम यूज कर लेंगे, और यदि टाइटेनियम की लिखनी है तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी हम लोग मतलब ये जो टाइटेनियम है उसको यूज कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई वोन आर्केल विधि।